नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। आज मैं आपको स्टीरियोस के बारे में बताऊंगा। लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था ब्लोपंकी लार्गो के स्टीरियो के बारे में डिटेल, जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स की क्वेरी आई थी कौन कौन सी गाड़ी में आपका स्टीरियो लग सकता है और कैसा कैसा रिस्पॉन्स आता है। मिले जुड़े रुझान कस्टमर्स के पास आए ब्लोपंकी के स्टीरियो को लेकर। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और यूट्यूब पे मैंने डाली थी, वो थी सोनी के स्टीरियो की। सोनी का स्टीरियो XAV EX 8100 स्टीरियो की वीडियो डाली थी। ये एप्पल सर्टिफाइड स्टीरियो था, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं जो सर्टिफिकेशन के साथ हैं। इस वाले स्टीरियो के अंदर आपको जो डिटेल्स मिलती हैं वो 10 इंची का स्टीरियो मिलता है। ये फुली एंड्रॉयड स्टीरियो है। ये उस सेगमेंट का कस्टमर प्रेफर करता है जिसको अपनी गाड़ी के अंदर यूट्यूब चलाना है, एंड्रॉयड जैसे फीचर्स यूज करने हैं, नेटफ्लिक्स यूज करना है, अमेजोन प्राइम यूज करना है, मतलब मल्टीपल वीडियोस चलानी है, तो उस सेगमेंट के लिए ये वाला स्टीरियो सबसे बेस्ट है। अगर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड के साथ आपको हैवी बास वाला स्टीरियो चाहिए तो आप सोनी के स्टीरियो को प्रेफर कर सकते हैं। मगर आज मैं आपके सामने जिस स्टीरियो की मैं बात आपसे करूंगा वो है अपने आप में सबसे ब्रिलियंट स्टीरियो, वो है क्रेटा एस का स्टीरियो। आप देख सकते हैं क्रेटा एस के स्टीरियो की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने जो स्टीरियो लाया है वो क्रेटा एस का स्टीरियो है। क्रेटा एस के स्टीरियो को आप चाहे तो अपने बेस मॉडल में भी इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं और एक ये पहला ऐसा स्टीरियो है आपको इस हुंडई आउटलेट के अंदर या हुंडई सेगमेंट के अंदर जिसके अंदर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। दोस्तों मेरी बात समझना, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है और किसी सेगमेंट के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। आपकी मैं नॉलेज के लिए आपको मैं बताता हूँ, अगर आप क्रेटा के टॉप मॉडल के अंदर सेगमेंट में भी आप जाते हैं ना SX एग्जीक्यूटिव के अंदर, उसके अंदर भी जो स्टीरियो मिलता है ना उसके अंदर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता। इस स्टीरियो को लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसके अंदर आपके मल्टीपल फंक्शन सारे एक ही बारी में आ गए जो हुंडई जेन्युइन है। आपको मैं दिखाता हूँ इसके सबसे पहले डिटेल्स। आप ये देखिए, ये इसका पार्ट नंबर है, ये फुल स्टीरियो आपके सामने है। मैं इसका आपको डेमो भी पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, डेमो के बाद मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसा क्या है स्टीरियो में आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। मेनली ब्लोपंकी स्टीरियो का मैंने आपको गाड़ी में डेमो दिया था, आपको इसके अलावा मैंने सोनी के स्टीरियो का डेमो दिया था, आज मैं आपको दूंगा क्रेटा एस के स्टीरियो का डेमो। प्राइसिंग की बात मैं आपको बाद में करूंगा, पहले मैं इसका डेमो देता हूं क्यों मैक्सिमम कस्टमर इसको प्रेफर अपनी गाड़ी में करते हैं। मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स की हमेशा यही क्वेरी होती थी, क्या मेरी गाड़ी का इंटीरियर टॉप मॉडल जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता। आप इसके थ्रू आप अपने स्टीरियो के लुक को और अपनी गाड़ी के फ्रंट की लुक को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर मैं फीचर्स की बात करूं आपसे, इसमें बेसिक फीचर FM जैसे आपको मिल जाते हैं, FM, AM और मीडिया जैसे फीचर। मीडिया पे क्लिक करके आप इसमें इजीली पेन ड्राइव को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा और ऑप्शंस की बात करो तो आपको रिवर्स कैमरा जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फेवरेट पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी की कोई भी थिंग्स को आप अपने अप फ्रंट लगा सकते हैं ताकि आप स्टीरियो को कन्वीनियंट यूज कर सकें। इसके अलावा इस स्टीरियो में आपको रिवर्स कैमरे जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, रिवर्स पे आपका इसी में आपका रिवर्स कैमरा स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज की बात करूँ तो साइड में आपको नॉब्स मिलती हैं और आप इजी स्टीयरिंग कंट्रोल के थ्रू भी आप पूरे स्टीरियो को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे मेन फीचर की, जो है एप्पल कारप्ले, जिस वजह से स्टीरियो की मेनली डिमांड वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है। आइए मैं आप उसको डेमो देता हूँ। मैं आपको देखिए जो जो मैंने फीचर्स आपको दिखाए वो आपने देख लिया। हम मेनली बात करते हैं एप्पल कारप्ले से। पहला ऐसा स्टीरियो हुंडई का है जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले मिलता है। मैं आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले को सेटअप करना इसमें सिखाता हूँ और इसका यूज बताता हूँ कितना बेनिफिशियल है। विदाउट यूजिंग योर फोन आप इस एप्लीकेशन को कितने अच्छे से इस स्टीरियो के प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। देखिए मैंने अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाऊंगा, सेटिंग में मैंने ब्लूटूथ को ऑन कर रखा है। ब्लूटूथ को ऑन करने के बाद मेरा नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट है स्टीरियो के ब्लूटूथ को ऑन करना, राइट। मैंने इसकी सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग में, होम पेज में मैं जाता हूँ, मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया, साथ में मैंने डिवाइस कनेक्शन पे क्लिक किया, ब्लूटूथ कनेक्शन पे क्लिक किया और ऐड न्यू डिवाइस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक मैं यहाँ पे करूंगा, आप देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर इंस्टेंट हाईलाइट हो जाएगा क्रेटा का सिंबल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको ओके किया, ये देखिए अब क्रेटा यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। मैंने क्रेटा पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए पेयरिंग का ऑप्शन आ गया 228408 228408। मैंने पेयर पे क्लिक किया, अलो किया, आप जूम होके देख सकते हैं कि आईफोन कनेक्ट इससे हो रहा है। मैंने यूज कारप्ले पे क्लिक किया, यस मैंने क्लिक किया और आप देखिए मेरा एप्पल कारप्ले रन कर गया। ये देख सकते हैं आप, एप्पल का प्लेटफॉर्म पूरा खुल गया।
मैंने आपको सोनी का जो स्टीरियो बताया था ना दोस्तों, उसके अंदर आपका एप्पल कारप्ले वायरिंग के साथ था। इसके अंदर कोई वायरिंग का झंझट ही नहीं है। फोन आपका पड़ा है यहाँ पे और ये रहा आपके सामने एप्पल का प्लेटफॉर्म। अब एप्पल के प्लेटफॉर्म में आपको जनरली आपको बात बताऊं तो मैंने सिर्फ, आप जूम करके आगे दिखाइए, मैंने सिर्फ इस बटन पे क्लिक किया कॉल टू राहुल। देखिए राहुल न्यूज के नाम से ऑटोमेटिकली कॉलिंग होगी विदाउट टचिंग योर फोन। मैंने इसको यहां से फिर से डिस्कनेक्ट किया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, प्लीज प्ले एनी सॉन्ग। अब आप देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, एक चीज आपको मैं और दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया नेविगेट टू लाजपत नगर। Lajpat Nagar is a residential and commercial neighborhood in the southeast Delhi district of Delhi. That was from Wikipedia. Would you like to hear more? अगर मेरे को और इंफॉर्मेशन चाहनी है तो मैं इससे इजी जान सकता हूँ। म्यूजिक पॉडकास्टिंग मिल जाती है, हुंडई की एप्लीकेशन मिल जाती है और आप बाय फोन और बाय बिना यूज किए फोन आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में बेस मॉडल में ये स्टीरियो को प्रेफर करना चाहते हो तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। इसकी आउटपुट सारे स्टीरियो से बहुत अच्छी है दोस्तों। मैं अब आपको इसकी फिटिंग का प्रोसेस बताता हूँ। फिटिंग के प्रोसेस के लिए कंपनी ने आपको इसके अंदर 1, 2, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन दे रखे हैं फिटिंग के लिए। पहले फिटिंग के ऑप्शन से इस गाड़ी के स्टीरियो में करंट आता है, मतलब कंपनी ने जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो करंट का ऑप्शन दे रखा है। सप्लाई का ऑप्शन है, जो कंपनी का बाय डिफॉल्ट कपलर आता है वो इसमें इंस्टॉल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको कंपनी ने जीपीएस का दे रखा है, आप जीपीएस लगा सकते हैं इसके साथ। तीसरा ऑप्शन यूएसबी का है और चौथा ऑप्शन आपको एफएम पोर्ट का मिलता है। दोस्तों चाहो तो इस स्टीरियो को भी आप इजीली अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हो, मगर इसकी प्राइसिंग, अब बात करते हैं पैसों की। प्राइसिंग फेवर में हो गए तभी तो आप डिसीजन लोगे कि मुझे ये वाला स्टीरियो चाहिए या नहीं चाहिए। इसकी प्राइसिंग लगभग आपको मार्केट में या हुंडई के किसी आउटलेट में जाते हो तो 30,000 के करीब आपको मिल जाता है, राइट। मैं आपको इसका प्राइसिंग दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं प्राइसिंग इसका। इस 30,000 के स्टीरियो में कंपनी ने आपको 2GB रैम, 32GB मेमोरी के साथ नेविगेशन रेडी, फोन लिंक, ब्लूटूथ जैसे ऑप्शन दे रखे हैं और स्क्रीन साइज की जो मैं बात करूं और डिस्प्ले साइज की जो मैं आपसे बात करूं, 22.55 सेंटीमीटर की डिस्प्ले और रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो 1024x600 रेजोल्यूशन आपको दे रखा है पिक्सल साइड के अंदर। ये स्टीरियो भी आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं चाहिए। अगर आप एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले लवर हैं तो आप इस स्टीरियो को इंस्टॉल करवा सकते हो गाड़ी में। इस स्टीरियो को इंस्टॉल करवाने के लिए आपके लिए सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है यही है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बास मिल जाता है और सोनी की आपको वारंटीज भी मिल जाती है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग 38,000 का आपको ये वाला स्टीरियो मिल जाता है। इसके स्क्रीन की बात करूं तो 8.95 इंचेस की आपको स्क्रीन मिल जाती है। जैसे मैंने आपको ब्लॉपिंग में बताया था ना 22.55 रेवोल्यूशन, वैसे ही आपको यहाँ पे 22.7 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। स्मार्ट मिरर लिंक मिल जाता है 55x4 आपको मैक्सिमम पावर जनरेशन के साथ एक्स्ट्रा बास आपको मिल जाता है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं सबसे मेन स्टीरियो की वो है ये वाला। दोस्तों बहुत कंफ्यूज होते हो ना कि मुझे कौन सा स्टीरियो लगाना है, मैंने पूरी वीडियो बना के देख लिया, हर एक कस्टमर की इंक्वायरी होती है कि मुझे यार स्टीरियो अच्छा लगाना है, सजेशन दो कौन सा लगाना है। अगर आप 38,000 से ऊपर के स्पेंड में सोच सकते हो कि थोड़ा सा मुझे स्पेंड थोड़ा बताना है, वन टाइम इन्वेस्ट करना है, तो आप इस स्टीरियो को भी आप रेफर कर सकते हो। कॉस्टिंग की बात करता हूँ स्टीरियो की तो लगभग 32,000 से 33,000 रुपए की स्टीरियो की कॉस्टिंग है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा 30 का ये है, 38 का ये है, 32 का ये तो सस्ता हुआ फिर सर, आप महंगा क्यों बोल रहे हो। मगर सर इसके साथ जो कनेक्टिंग की वायरिंग्स मिलती है वो आपको थोड़ी महंगी मिलती है। इसके साथ जो सबसे मेन वायरिंग आपके कनेक्टिंग की लगती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले जितने स्टीरियो आते हैं बाय डिफॉल्ट आपके पूरी वायरिंग के साथ आते हैं, मगर ये स्टीरियो आपको वायरिंग के अलावा आता है। मैंने जो स्टीरियो की कॉस्टिंग बताई है 32,000 के करीब, ये ऑल ओवर इंडिया शोरूम में आपको रेट सेम मिलेगा, हर जगह होमोजीनियस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोई एक्स्ट्रा नहीं कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करे। दूसरा आपका इसके अंदर एक्सपेंस बढ़ता है वो आपका 3734 का आपका एक्सपेंस है, पार्ट नंबर देख सकते हैं, जैक असेंबली यूएसबी के लिए। अगर आपको इसमें यूएसबी इंस्टॉल करना है तो ये यूएसबी की जगह जैक असेंबली लगती है, आप देख सकते हैं। और ये कपलर आपका स्टीरियो के रियर में इंस्टॉल हो जाता है। दोस्तों पूरी फिटिंग कपलर टू कपलर है, कुछ कपलर को कनेक्शन को लेकर इश्यू नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको जो बताया 32,000 स्टीरियो का रेट बताया, समवेयर अराउंड 3700 की मैंने आपको वायरिंग का रेट बताया,
वायरिंग के रेट के अलावा, देखिए अब मेरी बात समझना, मैंने यूएसबी चला ली इसके अंदर, अब मैंने इसके अंदर एफएम चलाना है और मुझे इसके अंदर जीपीएस चलाना है। जीपीएस की कॉस्टिंग की बात करता हूँ तो 1000 से 1200 रुपये का आपको जीपीएस मिल जाता है। एफएम की बात करता हूँ लीड की, तो 1000 से 1200 रुपये की एफएम की लीड मिल जाती है। दोनों के पार्ट नंबर और डिटेल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब सबसे मेन मैं बात करूँ इस स्टीरियो के इंस्टॉलेशन की, अगर आप स्टीरियो को डायरेक्ट कपलर से ही हुंडई के कपलर से चलाते हैं तो आपके स्टीरियो में डायरेक्ट चलेगा। डायरेक्ट चलने का इंदर मतलब है आप चाबी भी निकालोगे तो भी आपके स्टीरियो में करंट रहेगा। उसके लिए मिड कपलर लगता है जिसकी कॉस्टिंग भी समवेयर अराउंड 4500 से 5000 रुपये की हो जाती है। अब मैं इन सबको क्लब करके चलता हूँ तो सर लगभग स्टीरियो आपको इसका 43 से 44 हज़ार रुपये के करीब पड़ जाता है, और साथ में चाहे तो आप इसको इंश्योरेंस में भी इंडोर्स करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ भी आपके क्वेरीज होंगे तो आप कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में जरूर आके अपनी क्वेरीज लिखिएगा, मैं आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कंफ्यूज मत होना कि क्रेटा ई में कौन सा स्टीरियो लगाना है, मैंने आपके सामने सारे स्टीरियो बता दिए हैं। आप कंफ्यूजन नहीं है, बस आपने डिसीजन लेना है किस स्टीरियो को आपने ग्रैब करना है। थैंक यू।